नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल छोटे लाल यादव स्नैक। दोस्तों आज सुबह सुबह रामचंद्र सिंह राठौर जी के यहाँ से वार्ड नंबर 1 पटौरा टोला से नाक साफ का रेस्क्यू किया हुआ, और ये वार्ड नंबर 13 में अनुराग तिवारी जी के यहाँ से धामन सांप का बच्चा का रेस्क्यू किया है। इनको तुरंत ही रिलीज करने के लिए हम जंगल में आए हैं दोस्तों, और इतना ज़्यादा धूप है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे से ज़्यादा अपन डिब्बे के अंदर नहीं रख सकते हैं। इनको आज ही सुबह सुबह मतलब 6:30 और 7:30 के बीच रेस्क्यू किया गया है, और इनको तुरंत ही रिलीज करने के लिए हम जंगल में आए हैं। दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल भी चलता है, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ये उद्देश्य जनमानस को जागरूक करना है कि बेजुबानों को मारा ना जाए, इनको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे, पर्यावरण के लिए ये भी सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। इसमें नाग सांप है दोस्तों ये, और ये धामन सांप का बच्चा है, इसको अभी तुरंत रिलीज करेंगे। दोस्तों ये नाक सांप है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। गलती से भी किसी इंसान को ये वाइस करता है तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं और तुरंत ही इसका इलाज करवाएं, झाड़ फूक ओझा के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अभी अभी हमें जानकारी मिला कि एक इंसान को वाइट किया नाक सांप, और उन्होंने झाड़ फूक के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों हमारा विनम्र निवेदन है कि स्नैक बाइट हो तो आप तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और तुरंत ही पहुंचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और वहां बताएं कि कौन सा सांप हमको वाइट किया है, उसी वाइट सांप का आपको एंटीवेनम लगाया जाएगा और जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू हो जाएगा। दोस्तों झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको स्नैक बाइट हो तो आप तुरंत जिला अस्पताल पहुंचें। जिला अस्पताल में सभी प्रकार सांपों का एंटीवेनम उपलब्ध है, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश। सेकंड वाला बना।